वार्ड के बारे में आपको जानकारी क्या है? सीधा सवाल है, जवाब दें। आपको लोग वोट क्यों दें? मूलभूत जो समस्याएं आपके सामने बचपन से जो आप देख रही हैं, वर्षों से बाम अमल, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विरोधी शून्य मैदान में, मतलब खाली मैदान में आप खेल रही हैं। मुझे इस चीज का गर्व है कि मैं यहाँ की बेटी हूँ। चुनाव आ गया इसलिए आप लोगों का ई श्रम कार्ड बनवाने लगी। नमस्कार, मैं राजेश सिंह, 29 नंबर वार्ड का काउंसलर, एक्स काउंसलर, वर्तमान में कोऑर्डिनेटर हूँ। 2010 साल से 2020 साल तक मैं 29 नंबर वार्ड में काउंसलर रहा हूँ और 2020 के बाद आज तक मैं कोऑर्डिनेटर के रूप में जनता की सेवा कर रहा हूँ। 2 साल पहले मैंने टीएमसी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया, मोदी जी के विकास को देख करके, उनसे प्रेरित होकर के। परंतु आज के डेट में जिस तरह से कोविड महामारी के वक्त काम करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ लोगों की सेवा करने का, इस महामारी में बहुत सारे लोगों का घर उजड़ गया, सभी के साथ हमने बराबर सहयोग किया, सेवा किया। पार्टी का भी मैंने हर समय जो आदेश रहा उसको पालन किया। 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का चापदानी विधानसभा से कोऑर्डिनेटर भी था, कन्वेनर भी था। जिस तरह से पार्टी ने आदेश दिया सारा काम किया मैंने। परंतु 2022 के इस नगरपालिका चुनाव में जब उम्मीदवार लिस्ट की घोषणा हुई तो देखा गया कि जिले के कुछ कद्दावर नेता टीएमसी के साथ मिलकर के जितने योग्य उम्मीदवार थे उन उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया, उसमें एक मैं भी हूँ। मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, परंतु जिस तरह के नेता श्रीरामपुर सांगठनिक जिला में दायित्व पर हैं, जिनके दायित्व में इस जिले में भाजपा काम कर रही है, वो 2-4-5 नेता ऐसे सिंडिकेट बना लिए हैं, टीएमसी के साथ गठजोड़ कर लिए हैं कि उन्होंने ठान लिया है कि श्रीरामपुर सांगठनिक जिला में जिस तरह विधानसभा में खराब फल हुआ, 5 के 5 विधानसभा इस जिले के हम लोग हार गए, उसी तरह श्रीरामपुर जिले में 7 म्यूनिसपैलिटी पड़ती है, 7 म्यूनिसपैलिटी में बीजेपी के उम्मीदवार न जीत सके, तृणमूल के चुनौती न दे सके, इसकी व्यवस्था उन्होंने की है और हम जैसे उम्मीदवारों का टिकट काट दिया गया है। लेकिन श्रीरामपुर जिले के जो प्रातन सभापति हैं, उनके जो रिलेशन में हैं, उनकी जो बहन के जमाई हैं, वो श्रीरामपुर नगर पालिका के चेयरमैन हैं। अब क्या फिर से आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैं चुनाव मैदान में नहीं उतरने वाला, जनता चुनावी मैदान में उतरेगी। मैं 2010 में तृणमूल की जब हवा थी उस समय मैं निर्दल जनता के ही प्यार से जीत करके आया था, और 2014 में जब मोदी जी की प्रबल हवा थी तब उस समय 2015 में जब नगरपालिका चुनाव था तब हमने जो कैंडिडेट आज हैं उनको 500 से अधिक वोटों से हराया था। इनका 2 बार मैं इस कैंडिडेट को मैं हरा चुका हूं, तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, 29 नंबर वार्ड की जनता चुनाव लड़ेगी। मतलब आप नॉमिनेशन कर रहे हैं ना निर्दलीय के रूप में, सीधा सवाल है? जी हाँ, अगर जनता चाहेगी तो नॉमिनेशन भी होगा और ये चुनाव हम लोग जीतेंगे भी।